पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने आज पुलिस मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश में हुए अपराधों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश में कम अपराध दर्ज हुए हैं और अपराध के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कई चैलेंजिंग कार्य किए हैं। इसके अलावा सामाजिक, महिला सुरक्षा, महिला आत्मरक्षा, आवाज कार्यक्रम, बाल संरक्षण आदि पर भी विशेष काम किया गया है। बहुत ही नियंत्रण में रहा है और कानून व्यवस्था भी सामान्यता सही रही है। कहीं भी कोई ऐसी बड़ी मेजर अप्रिय घटना नहीं हुई है। इस दौरान जैसे कि अभी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जो हमारे अपराधी फिगर हैं वो करीब 2019 के मुकाबले करीब 14% कम हुए हैं और दो हेड को छोड़ के बाकी सभी हेड में गिरावट देखी गई है। हमारा अधिकतर जो समय है वो कोरोना महामारी को लड़ने में ही बीता है, चाहे वो कंटेनमेंट जोन की बात हो, चाहे वो नाइट कर्फ्यू लागू करने की बात हो, चाहे वो लॉकडाउन लागू करने की बात हो, चाहे वो अपने प्रवासी मजदूरों के आवागमन को नियंत्रित करने की बात हो, उसमें बीता है। विशेषकर करीब करीब 3 महीने तो इसके अलावा शायद ही कोई काम पुलिस द्वारा किया गया। फिर भी इसके बावजूद भी जो अपराध 2020 में पंजीबद्ध हुए हैं उनमें हमारा जो चालानी प्रतिशत है अपराधों, ये संपत्ति संबंधी अपराधों में, वो 70 से बढ़कर करीब 76% हुआ है। इसी तरह हमारा बरामदगी प्रतिशत भी बढ़ा है। हमारे विभाग द्वारा दूसरे जो अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर कई जन जागरण अभियान चलाए गए हैं, जिसमें अभी नवंबर के महीने में आवाज़ नाम से एक जन चेतना वाला अभियान चलाया गया था। उसमें एक काफ़ी संख्या में लोगों ने वेबिनार के माध्यम से उसमें जुड़े हैं और जो भी इन अपराधों से, महिला संबंधी अपराधों से संबंधित जो भ्रांतियाँ थी और उसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सब के बारे में उन द्वारा अपने आप को शिक्षित व प्रशिक्षित किया गया है।